दोस्तों, आपने साल 1979 में आई रोमांटिक फिल्म नूरी तो ज़रूर देखी होगी, जिसमें हमें यूसुफ और नूरी नबी की लव केमिस्ट्री देखने को मिली थी, जहां यूसुफ और नूरी शादी करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसके पिता की अचानक मृत्यु हो जाती है और शादी कैंसिल हो जाती है। किसी काम से यूसुफ शहर चला जाता है, जिस वजह से नूरी को कई बुराइयों का सामना करना पड़ता है। साथ ही फिल्म में और भी कई कलाकारों ने अपने किरदारों को बखूबी निभाया था, लेकिन दोस्तों, इस फिल्म को रिलीज हुए तकरीबन 42 साल बीत चुके हैं और इन बीते सालों में फिल्म में नजर आने वाले कलाकार भी काफी बदल चुके हैं। इसीलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको फिल्म में नजर आए कुछ चुनिंदा कलाकारों से ही रूबरू करवाने वाले हैं। तो अगर आप भी इन कलाकारों से रूबरू होना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। मदन पुरी। लाला करमचंद उन किरदारों में से एक था जिसने अपने किरदार से सभी का भरपूर मनोरंजन किया था और इस किरदार को निभाया था अभिनेता मदन पुरी ने। इन बीते सालों में अभिनेता मदन पुरी काफी ज्यादा बदल चुके हैं। इन्होंने अपने पूरे अभिनय करियर में 430 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय कर अपना जलवा बिखेरा है। अगर बात की जाए इनके आज के बारे में तो आपको जानकर हैरानी होगी कि अभिनेता मदन पुरी ने अपनी 69 साल की उम्र में साल 1985 को इस दुनिया से अलविदा कह दिया था। भरत कपूर। दोस्तों, आपको इस फिल्म में बशीर खान का किरदार तो याद ही होगा, जिसने अपने इस किरदार से सभी का भरपूर मनोरंजन किया था। अभिनेता भरत कपूर भी इन बीते सालों में काफी बदल चुके हैं, जहां इन्होंने अपनी 81 साल की उम्र पार कर ली है। आपको बता दें कि अभिनेता भरत कपूर ने अपने अभिनय करियर को विराम दे दिया है और अपनी फैमिली के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। अवतार गिल। अभिनेता अवतार गिल, जिन्होंने इस फिल्म में बशीर खान के दोस्त की भूमिका निभाई थी, इन बीते सालों में काफी बदल चुके हैं। जिन्होंने अपनी 71 साल की उम्र पूरी कर ली है, जिस वजह से ये काफी बूढ़े नजर आने लगे हैं। आपको बता दें कि इन्होंने आज भी अपने अभिनय करियर को बरकरार रखा हुआ है, जहां इन्हें टीवी इंडस्ट्री के लोकप्रिय धारावाहिक क्यों उठे दिल छोड़ आए में अभिनय करते हुए देखा गया है। फारूक शेख। यूसुफ फकीर, जिसे अभिनेता फारूक शेख ने बड़े पर्दे पर बड़ी खूबसूरती से पेश किया था, उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को कई फिल्मों से नवाजा है, जिसमें उमराव जान, बीवी हो तो ऐसी और फासले जैसी बेहतरीन फिल्मों के नाम शुमार हैं। अगर बात करें इनके आज के बारे में तो आपको जानकर दुख होगा कि अभिनेता फारूक शेख अपनी 65 साल की उम्र में 28 दिसंबर साल 2013 को हार्ट अटैक की वजह से दुनिया से अलविदा कह चुके हैं। पूनम ढिल्लों। दोस्तों, नूरी नबी के किरदार को भला कोई कैसे भुला सकता है, जिसने अपनी कातिलाना अदाओं से सभी को कायल कर दिया था। अगर बात की जाए इनके आज के बारे में तो आपको बता दें कि इन्होंने अपनी 59 साल की उम्र पार कर ली है। जहां ये फिल्मों में खूबसूरत नजर आया करती थी, तो वहीं आज इनकी बढ़ती हुई उम्र और झुर्रियां इनके चेहरे पर साफ झलकती हैं, जैसा कि आप हमारी इन तस्वीरों में भी साफ देख सकते हैं। आपको बता दें कि अभिनेत्री पूनम ढिल्लों ने आज भी अपने अभिनय करियर को बरकरार रखा हुआ है, जहां इन्हें आखिरी बार साल 2020 में आई फिल्म जय माता दी में अभिनय करते हुए देखा गया था। तो दोस्तों, आपको इन कलाकारों में से किसका किरदार सबसे अच्छा लगा, आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही दिलचस्प खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।